नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको पता है कि TGT और PGT का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और इससे पहले हम लोग TGT और PGT के लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी पूरी परीक्षा प्लस टीम आपको इससे पहले बता चुकी है। बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ लॉन्च कर दिए गए हैं और उन्हीं कोर्सेज में या उन्हीं सब्जेक्ट्स में आज हम जिस सब्जेक्ट्स पे बात करने वाले हैं TGT और PGT की, वो है आपका इकोनॉमी, ठीक है, अर्थशास्त्र पे हम आज बात करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि TGT और PGT में अर्थशास्त्र की भूमिका क्या है। और इसी के साथ में हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के साथ में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और स्ट्रेटजी के साथ ही में अगर आप पिछले कई वर्षों के पेपर को देखेंगे या इससे पहले जो पेपर हुए हैं मुश्किल से 3 या 4 पेपर को, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम्स बढ़ रहे हैं, कमीशन क्या कर रहा है कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन ऑफ नेचर है उन्हें धीरे धीरे बढ़ा रहा है। और बढ़ाने की जो प्रवृत्ति देखी गई है या प्रवृत्ति देखी गई है विगत वर्षों में, वो फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल की तरफ कमीशन अपने आप को मूव कर रहा है, चाहे आप TGT की बात कर लें चाहे आप PGT की बात कर लें। बेसिकली बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि TGT और PGT के सिलेबस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग है। TGT में हमें कुछ अलग पढ़ना होता है और PGT में हमें कुछ अलग पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मैं इसी बात को क्लियर कट कर दूं कि TGT और PGT में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस TGT और PGT में 18 और 20 का डिफरेंस है। भाई एक सिंपल सी बात आप समझिए कि इकोनॉमी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए आप सिविक्स पढ़ रहे हैं, तो सिविक्स में भी क्या होता है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ते हैं और आप प्रैक्टिकल्स पार्ट पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल्स का मतलब है आप कोर वाला हिस्सा पढ़ते हैं, ठीक। सेम एज इकोनॉमी में भी यही चीज़ें हैं कि इकोनॉमी में आप कोर टॉपिक्स को भी देखते हैं और अप्लाइड जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है उससे भी आप देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे एक बार TGT एंड PGT पे, सपोज दैट मान लीजिए कि TGT मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ एंड PGT में, ठीक, अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे आपके इकोनॉमी से लगभग 125 क्वेश्चन, और अगर मैं TGT की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रॉक्स 63 to 65 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। इन दोनों की अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ इनके नेचर की, तो अगर इनके मैं नेचर की बात करूँ थ्योरेटिकल की, तो यहाँ पे भी एक थ्योरी है, थ्योरी का मतलब है कि जिसे आप कोर बोलते हैं, यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स है। कोर का मतलब क्या होता है अभी मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ, एक बार पहले मैं नोट डाउन कर दूँ, एक है आपका कोर और दूसरी है आपकी थ्योरी जो आप अकेडमिक में पढ़ के आते हैं। सेम एज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है आपका कोर और यहाँ पे ही आपकी थ्योरी, ठीक। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं सपोज दैट थोड़ा सा बात करूँ PGT की, तो PGT में अगर आप कोर को देखेंगे तो यहाँ पे 90 to 100 क्वेश्चंस आपका कोर से होता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 25 to 35 क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल पार्ट से होता है, सिद्धांतिक पार्ट से होता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि किन्ज का नियम क्या है, कैम्ब्रिज के अनुसार क्या है, या पूछ लिया जाता है कि गिफिन कर्व के बारे में, गिफिन में गुड्स में क्या चीज़ें आप देखते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, हो सकता है कि माल्थस का या फिर इसके साथ ही आपसे पूछ लिया जाए कि वेबर का औद्योगिक मॉडल के आधार पर आप क्या जानते हैं या उन्होंने इनमें से क्या बताया है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। सेम यहाँ पे भी आप देखते हैं, अगर मैं सपोज दैट बात करूँ TGT की, तो TGT में 60 to 65 आते हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस के आसपास, 40 to 45 के आसपास जो है आपका, ये आपका कोर आता है। और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो 20 to 25 के आसपास लगभग आपका थ्योरेटिकल पार्ट्स आता है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो कोर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। रीज़न है कि कोर अगर आप देखेंगे PGT में, जो हमने कल आपसे डिस्कशन किया था, तो PGT के अगर सिलेबस पे आप नज़र डालते हैं तो ऑलरेडी आप देखते हैं कि PGT के सिलेबस को 8 पार्टों में बांटा गया है, और अगर आप TGT को देखते हैं तो यहाँ भी देखते हैं कि 6 से 7 पार्टों में, यूनिट्स में इन्हें बांटा गया है।
जिसमें से अगर मैं बात करूं सपोज दैट पीजीटी की, तो यहाँ पे 5 यूनिट आपका कोर सेक्शन से है, और अगर मैं बात करूं 3, तो यहाँ पे जो 3 सेक्शन है ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट से है। सेम एज यहाँ पे भी है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका 4 या 5 जो है ये आपका 4 के आसपास ये आपका कोर सब्जेक्ट है, और अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकल की तो लगभग यहाँ पे 2 यूनिट है ये आपका थ्योरेटिकल है। तो एक चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी में इकोनॉमी सब्जेक्ट में कोर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और सबसे बड़ी बात है कि कोर आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, जब आपने पीजी किया तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। ठीक, कोर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल का या मतलब जो सैद्धांतिक है, मैंने आपको बताया कि कीन्स को पूछ लेगा, वेबर को पूछ लिया, कभी माल्थस को पूछ लिया, या और भी जो हमारे मतलब विचारक हैं या बहुत सारे और भी थ्योरेटिकल पार्ट जिन्होंने सिद्धांत दिए उन्हें पूछ लेता है। कोर की मैं बात करूं तो कोर में सीधा सीधा बात आपसे की जाती है। कोर में अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर में आप सबसे पहले देखते हैं जो कोर का आपका टॉपिक आता है, कोर में आपका टॉपिक आ जाता है मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं मुद्रा और मुद्रा स्फीति। इसी के बाद आप देखते हैं तो आपका बजट सेक्शन इसी में आ जाता है कोर में ही। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट के बाद फिर आप देखते हैं आरबीआई, और आरबीआई के साथ ही आप देखते हैं इंडिया की बैंकिंग सिस्टम। तो जो ये चीजें हैं, इसी के साथ में फिर आप देखते हैं इंडिया में टैक्सेशन, और टैक्सेशन के ही साथ में आप देखते हैं इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप देखते हैं इंडिया में नेशनल इनकम। इसी के साथ में जो आपका 7 टॉपिक आता है नेशनल इनकम के साथ ही में, नेशनल इनकम के बाद में फिर आपका बचता है बैलेंस ऑन पेमेंट बीओपी, और बीओपी के बाद में भी आप देखते हैं तो जो आपका इम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ही आप देखते हैं भारत में पॉवर्टी। बेसिकली ये वो सारे कोर हैं, इन्हीं सारे कोर को मिला करके, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इनमें, अगर मैं बात करूं 9 पॉइंट की, तो 9 पॉइंट में मैं बात करूं तो जो आपके संगठन है, यानी जो फॉरेन, या मैं बात करूं संगठन की, जैसे आपका IMF हो गया, आपका WTO हो गया, इसी के बाद में WTO के बाद में आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे ही जो इकोनॉमिकल फंडिंग वाली पॉइंट्स मतलब संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, और इसी के साथ में कुछ मिसलेनियर पॉइंट होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है। ठीक, और इन सारे कोर को मिला करके अगर मैं बात करूं तो जो आपका TGT का है, TGT में लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, और PGT की मैं बात करूं तो PGT में 90 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और इन्हीं के अगर राउंड फिगर की मैं बात करूं तो होल मतलब इकोनॉमी में दो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमी। इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी पूरी इकोनॉमी घूमती नजर आती है। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात है ये वो टर्म्स है जो आप कहीं ना कहीं आए दिन अपने जीवन में देखते हैं कि आपके साथ इन सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्रैक करने का है कि हम कम से कम टाइम में उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें जो कोर है, और कोर पे हम आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं TGT की PGT की, तो दोनों लोगों को ये कोर तो पढ़ना ही पड़ेगा। चेंजिंग्स कहाँ पे हैं? चेंजिंग्स आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स में है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे या लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं मुद्रा से पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकीर्ण मुद्रा है, या निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक मुद्रा है, या TGT में भी पूछा गया है और PGT में भी पूछा गया है। अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि अगर
आरबीआई मौद्रिक नीति समितियों के माध्यम से या मौद्रिक नीति समिति सीआरआर को दरों को बढ़ा देती है तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन टीजीटी का भी और पीजीटी का भी है। एक एग्जांपल तौर पे आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के जीडीपी में किन किन मदों को शामिल किया जाता है, मेरे दोस्त टीजीटी का भी है और पीजीटी का भी है। ठीक, आरबीआई को ले लीजिए, बैंकिंग सिस्टम्स को ले लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस जो पूरा का पूरा कोर है ये आपको पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है आप किसी से भी पढ़िए, मास्टर से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, किसी से पढ़िए, बुक से पढ़िए, बट कोर आपको पढ़ना है। क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, आपके एग्जाम में आपके अच्छे लगने या ना लगने की वजह से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एक बात याद रखिए मेरे दोस्त कि अगर आपकी बीमारी पुरानी है तो दवा आपको कड़वी ही लेनी पड़ेगी। तो कोर तो पढ़ना पड़ेगा और कोर के साथ में को रिलेट करना पड़ेगा थ्योरेटिकल पार्ट्स को। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप मुद्रा की परिवर्तनीयता पढ़ रहे हैं या आप लोच की मांग पढ़ रहे हैं, ठीक, या हो सकता है इसी के साथ आप मुद्रा का अवमूल्यन पढ़ रहे हैं, तो आपको किंज को एक बार दिमाग में लाना पड़ेगा कि ये सारी चीजें किसने कहा था, तो चीजें आपको क्लियर कट नजर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज ये हमारा डेमो क्लास है इकोनॉमी का, ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं पेवर कोर पे हम बात करेंगे और कोर में जो हमारा आज का पहला पॉइंट है वो है आपका मनी, और मनी के ही साथ में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा, और मुद्रा के साथ ही है ये मुद्रा स्फीति। जब एक बार हम मुद्रा समझ जाएंगे तो मुद्रा में हम स्फीति भी लगा देंगे तो मुद्रा स्फीति भी समझ जाएंगे। ठीक है, एक सबसे बड़ी इकोनॉमी की प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे चीजें आपको रटनी नहीं होती हैं, अगर आपने उनके टर्म्स को पकड़ रखे हैं कि पॉइंट्स को पकड़ रखे हैं तो यकीन मानिए कि वो खुद ही परिभाषा बताता है कि दरअसल साहब मैं हूं क्या। ठीक, सो इकोनॉमी में, और एक इकोनॉमी की सबसे बड़ी बात है कि हिंदी टर्म्स को आप थोड़ा अवॉइड करिए और इंग्लिश टर्म्स को पकड़िए, क्योंकि हिंदी के टर्म्स इतने मतलब ट्रांसलेटेड और इतने खतरनाक हैं कि दरअसल समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी नजर इंग्लिश पे पड़ेगी तो आप इजीली देख लेंगे कि हाँ ये चीज कह रहा है और हम करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बातें रही आपके एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, हम क्या करने वाले हैं, परीक्षा प्लस टीम आपके लिए क्या करने वाली है वो मैंने आपको बता दिया है, और आगे पढ़ने की हमारी रणनीति कैसी होगी उस पर भी मैंने बात कर लिया कि हमारा सबसे ज्यादा फोकस कोर पे होगा, क्योंकि कोर से आपके 90 से 100 क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने कोर तैयार कर लिया तो मतलब सीधा सा है कि पूरे सिलेबस का 90 से 100 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया और अंदर से एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ भाई चलो हमारा पेपर तैयार है, हाँ थ्योरेटिकल पढ़ना है उसे हम कवर कर लेंगे। इसके साथ एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगा, याद आया मुझे कि किसी भी एग्जाम्स को अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले किसी टीचर की क्लास ले लीजिए, क्योंकि बिना क्लास के अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स प्रॉपर आपको समझ में नहीं आएगी कि दरअसल वो लाइन कह क्या रहा है। ठीक, सो समझने का सबसे आसान तरीका कि सबसे पहले आप टीचर की क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद में फिर या आप बुक पढ़ना चाहें तो बुक पढ़ लीजिए, अदरवाइज अगर आपको नोट्स मिल रही है टीचर की तो आप टीचर की नोट्स पढ़ लीजिए। इसके बाद में फिर क्या करना है, इसके बाद में आपको इवन कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास पहले हो, क्या हो पेपर, पेपर से क्या होगा कि पेपर से एक चीज आइडिया आपको ये लग जाता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ रहा हूँ या जो मेरा मास्टर मुझे पढ़ा रहा है वो आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा रहा है, क्योंकि होता है कि कभी कभी मास्टर खुद को ज्ञानी बताने के चक्कर में नॉन रिलेवेंट चीजें आप तक डिलीवर कर देता है और आपको लगता है कि मास्टर हमारा कितना ज्ञानी है, सब कुछ हमको पिला दिया। दरअसल सिलेबस आपके मेज पे होना चाहिए और आपके जिस जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं सामने वाली दीवार पे आपका सिलेबस होना चाहिए, और हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़िए तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि ये टॉपिक मेरा किस यूनिट में है। यही चीजें इकोनॉमी में नहीं, टीजीटी पीजीटी में नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट आप मैथ पढ़ रहे हैं और अगर मैथ का आपने कोई सवाल देखा तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये सवाल मैथ का मेरा इस टॉपिक से है और इस टॉपिक में यहाँ जाके ये होल्ड करता है जो कि मेरे सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक, तो यही चीजें यहाँ भी होनी चाहिए कि पहले आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए,
पेपर को बार बार देखिए, उनका एनालिसिस करिए, फिर आप टीचर की क्लास लीजिए, क्लास के साथ ही में जब आपकी क्लास हो जाए फिर आप बुक या नोट्स पढ़िए, इसी के साथ में फिर आप एमसीक्यूज पे जाइए, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है कि बहुत सारे जो टॉपिक्स आपके नहीं कवर होते हैं वो एमसीक्यूज के माध्यम से कवर होते हैं। एमसीक्यूज जब आप कर लेते हैं तो एमसीक्यूज के बाद में फिर आप आइए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के लिए बोला है, सॉल्व करने के लिए। सॉल्व तो आप तब करेंगे जब आपको पता होगा, और पता होने के लिए पहले आपको क्लास लेना है, बुक्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ना है, एमसीक्यूज करना है, और प्रीवियस ईयर के फिर पेपर को सॉल्व करना है, और यही चीज़ें आपको बार बार करना है। मेरे दोस्त, 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, सिलेक्शन आपका वहीं से होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आप फॉलो करिए। इसी के साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ, और आज का जो मैं पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ, मनी एंड इन्फ्लेशन, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं एक बार उस पर मैं नज़र डाल देता हूँ, क्योंकि ये आपका कोर एरिया है, और कोर एरिया पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की डिमांड आपसे की जाती है। अगर मैं बात करूं मनी की, तो सबसे पहले हम मनी में देखने वाले हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक, पहले क्या होता था और आज के टाइम पे क्या हो रहा है। मैं बहुत हड़प्पा काल में आपको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं 1% उम्मीद करता हूं कि इकोनॉमी का ही पता होगा, हालांकि मैं बिल्कुल बेस से ही करूंगा, बट एटलीस्ट मैं इतना पता कर समझ सकता हूं कि आपको पहले पता होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, कैसे आधार पे हम वस्तुओं का लेन देन करते थे, इतना तो आप समझदार होंगे, इतना मैं सोच सकता हूं। ठीक, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे कि मुद्रा की परिभाषा क्या है, और अगर मुद्रा की कुछ परिभाषाएं हैं तो कितने प्रकार की मुद्रा है, तो हम उसके बाद में मुद्रा के प्रकार देख लेंगे, और अगर मुद्रा के प्रकार हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर मुद्रा को कोई जारी करता होगा, तो मुद्रा को जारी करने का तरीका क्या है, या जारी करने का प्रोसेस क्या है। तो एक बार हम जारी करने के तरीके पे बात कर लेंगे कि मुद्राओं को जारी कैसे किया जाता है, अगर नोट है तो प्रिंटिंग कैसे होता है, और अगर सिक्के हैं तो उन्हें कैसे ढाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। इसी के साथ में मुद्रा के साथ जब हम देखते हैं उनके प्रकार, परिभाषा और जारी करने का तरीका क्या है, फिर हम यहीं पर देख लेते हैं कि मुद्रा की तरलता क्या, हम देखते हैं मुद्रा की तरलता कि मार्केट में कितनी मुद्रा प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। तरलता हो सकता है कि आपके लिए एक नया वर्ड हो, तरलता का मतलब है कि कितनी ज़्यादा करेंसी मार्केट में अवेलेबल है, और कितना ज़्यादा लोग वस्तु विनिमय कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं उस मुद्रा के माध्यम से, इसको अर्थशास्त्र की भाषा में तरलता कहा जाता है। ठीक, जैसे आप जब CRR पढ़ेंगे, SLR पढ़ेंगे, बैंकिंग्स पढ़ेंगे, तो उसमें एक वर्ड निकल के आता है कि जब बाजार में तरलता मुद्रा की ज़्यादा हो जाती है, तो मुद्रा की तरलता ज़्यादा होने से लोगों की मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से मुद्रा स्फीति बढ़ती है, और मुद्रा स्फीति में क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें आप देखते हैं, वही चीज़ है तरलता। तो देख लेंगे कि मार्केट में करेंसी का फ्लो किस हिसाब से है, और उनकी गणना किस आधार पर की जाती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, जब हम इन्हें देख लेंगे तो यहाँ से आपका लगभग, मान के चलिए कि PGT में लगभग 2 क्वेश्चन और TGT में भी लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि PGT में तो पूरे, अगर मैं बात करूं इस सेक्शन से, यानी इस सेक्शन में मनी, इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग सिस्टम, इन तीनों को मिला के एक यूनिट बनाया गया, वो यूनिट है 5। अगर PGT देखेंगे तो यूनिट 5 है, और अगर TGT देखेंगे तो 4-5 के आसपास वहां भी है। ठीक, तो जब यूनिट 5 देखेंगे तो यूनिट 5 में ही, अगर मैं बात करूं TGT की, तो TGT में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इस यूनिट से, और अगर मैं PGT की बात करूं तो PGT में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसी एक टॉपिक से आते हैं। ठीक, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन TGT PGT नहीं, अगर आप UPSC या PCS देखेंगे तो वहां भी आपका इन्फ्लेशन एंड मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो एक बार हम इनको देखेंगे, और इनको देखने के बाद में सीधा हम आएंगे मुद्रा स्फीति पर, और हम देखेंगे कि मुद्रा स्फीति की परिभाषा क्या है, मुद्रा स्फीति किसे कहते हैं, मुद्रा स्फीति के प्रकार कौन कौन से हैं, और अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रकार यहाँ पे 2 तरीके से आप देखते हैं। एक तो आप दर के आधार पर देखते हैं कि अगर दरों में बढ़ोतरी या घटोती हो रही है तो कितने प्रकार के हम देखते हैं, और हम कारण के आधार पर देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो हम देखेंगे कारण के आधार पर,
और दूसरा हम देखेंगे दर के आधार पर। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं कारण की बात करता हूँ तो आप देखते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मुद्रा स्फीति का प्रकार है, दे देगा मांग जनित मुद्रा स्फीति, लागत जनित मुद्रा स्फीति, संरचनात्मक मुद्रा स्फीति और अपस्फीति, ये चार दे देगा, पूछेगा एक नहीं है। और आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा कारण के आधार पर है और कौन सा दर के आधार पर है। कारण का मतलब है कि अभी हम बात करेंगे कि कारण में मैंने आपको बताया कि मांग जनित, लागत और संरचनात्मक। अगर मैं दर की बात करूं तो आपने सुना होगा कि अवस्फीति, अवस्फीति क्या है, संस्फीति जिसे आप स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं, अपस्फीति क्या है और कोर स्फीति क्या है। तो जो ये सारे टर्म्स हैं ये दर के आधार पर बताया जाता है कि कितने प्रकार के मुद्रा स्फीति देखी जाती एक तरीके से, और खासकर कारण के आधार पे। तो कारण के आधार पर तीन है जो सामान्यतः विकासशील देशों में देखा जाता है, ठीक है। अगर मैं प्रकार की बात कर लेता हूँ, परिभाषा और प्रकार, तो फिर मुद्रा स्फीति की गणना कैसे की जाती है ये प्रश्न भी निकल कर आता है कि भाई कौन सा एक मैकेनिज्म है जो आपको बताएगा कि वृद्धि हो रही है महंगाई में। भाई कुछ तो डेटा होगा, कोई एक ऐसी संस्था होगी जो कहीं ना कहीं डेटा को कलेक्ट करता होगा और कलेक्ट करने के आधार पर कह रहा होगा कि जनाब इस समय जो महंगाई है इतनी बढ़ रही है। महंगाई को साधारण, मुद्रा स्फीति को साधारण बोलचाल की भाषा में महंगाई कहते हैं और अर्थव्यवस्था की भाषा में महंगाई को मुद्रा स्फीति कहते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। तो हम वो संस्था देख लेंगे कि वो संस्था कौन सी है जो मुद्रा स्फीति की गणना करती है, और गणना के ही साथ में वो कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीकों पे भी हम बात करेंगे। और जब अगर मैं तरीकों की बात करूं तो आप देखते हैं दो चीजें आपके सामने निकल के आती है, एक है आपका WPI और दूसरा है आपका CPI, ठीक। WPI क्या है, CPI क्या है, इनकी गणना कैसे की जाती है, WPI में किसको शामिल किया गया, CPI में किसको शामिल किया गया है, पहले गणना किस आधार पर हो रही थी, वर्तमान में गणना किस आधार पर हो रही है, और अगर पहले गणना इस पर हो रही थी और वर्तमान में इस पर हो रही है तो चेंजिंग्स क्यों किए गए, कहीं तो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा होगा। देखिए अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे होते तो आपको पीछे के कारण जानने की जरूरत नहीं है, उर्जित पटेल ने क्या सुझाव दिए, नरसिम्हन कमेटी ने क्या सुझाव दिया, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है वनडे के एग्जाम में। बट मेरे दोस्त यहाँ बहुत डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि मोती कभी भी समुद्र के ऊपरी भाग में नहीं मिलते, मोती को पाने के लिए आपको नीचे डीप ओशन में डिप करना पड़ेगा, और जितना ही ज्यादा आप डीप ओशन में डिप करेंगे आपको उतने ही अच्छे मोती मिलेंगे। तो गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा, ऊपर अगर सतही तरीके से निकलेंगे तो मेरे दोस्त जैसे लास्ट ईयर में जब इकोनॉमी का पेपर हुआ था एक तरफ से सारे लोग डाउन हुए थे, इस साल भी वही होगा, क्योंकि पिछले साल पेपर लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, पिछले साल पेपर का गैस ही नहीं हो पाया कि कमीशन कहां जाकर पूछ सकता है, और कमीशन ने पूरे पेपर को अप्लाइड कर दिया, फैक्ट को हटा दिया, अप्लाइड कर दिया, कॉन्सेप्ट पे लोगों का ध्यान तत्काल में गया नहीं और सारे बच्चा गच्चा खा गए, ठीक। सो यहां पे हम कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं। इन तरीकों के बात करने के बाद में हम देखेंगे कि मुद्रा स्फीति की गणना और तरीका ये क्या है, प्रकार और परिभाषा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुद्रा स्फीति की गणना की गई है और गणना करने के बाद में संस्था ने बताया कि मुद्रा स्फीति घट या बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो उनको नियंत्रित कैसे किया जाए, नियंत्रित करने के लिए वो टूल्स कौन से हैं, उन टूल्सों पे हम एक बार बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं नियंत्रित करने के टूल्स कौन कौन से हैं, तो उन टूल्सों में हमारा नजर जाता है सबसे पहले CRR पर, उसके बाद है आपका SLR के बाद में आप देखते हैं रिपो रेट के बाद में आप देखते हैं रिवर्स रेपो रेट के बाद में आप देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड इसी के साथ में आप देखते हैं LAF, इसी के साथ में आप देखते हैं बैंक रेट, ठीक। तो ये कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स के माध्यम से मुद्रा स्फीति की दरों को नियंत्रित किया जाता है। अगर बाजार में तरलता ज्यादा है तो तरलता को कम करने के ये उपकरण हैं, और अगर बाजार में तरलता ज्यादा है
तो इसी के माध्यम से, और कम है तो इन्हीं टूल्सों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। आपको यहीं पे एक जानने की जरूरत है, अगर आपसे कमीशन एक क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने का कौन सा मात्रात्मक उपकरण है, तो मेरे दोस्त यहां से आप प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि आपका मास्टर आपको सिर्फ ये बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण क्या है। मात्रात्मक मात्रात्मक और गुणात्मक, तो एक चीज आपको जानना होगा कि मात्रात्मक उपकरणों में क्या शामिल है और गुणात्मक उपकरणों में क्या शामिल है। ठीक, ये चीजें आपको जानना होगा। तो अगर आप इतनी चीजें जानते हैं तो यकीन मानिए कि आपका मनी और मनी के साथ ही में आपका इन्फ्लेशन, ये टॉपिक आपका यहां से कवर हो जाएगा। ठीक, ये चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। इसी के साथ ही में कुछ की पॉइंट्स भी आपको यही देखने को मिलता है, जैसे कभी कभी फिलिप्स कर्व पूछ लेता है, बहुत पुराना चीज है, पता नहीं क्यों कमीशन का इतना फेवरेट है, और इवन तो टीजीटी में एक पीजीटी में दो दो तीन तीन बार पूछता है, परिभाषा को घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो एक बार हम फिलिप्स कर्व देख लेंगे कि फिलिप्स कर्व क्या कहता है। मुद्रा को हम देख रहे हैं तो एक बार हम मुद्रा पे मुद्रा का अवमूल्यन, अधिमूल्यन और विमुद्रीकरण हम देख लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर आप स्क्रीन शॉट में लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में एक बार रहें। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे सीधी सी बात है, जो मैं अभी बात करने वाला हूं, ये मैं बात करने वाला हूं मनी की। मनी, मनी मतलब मुद्रा। सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि मुद्रा है क्या, जो हम लोग अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं वही चीजें हैं। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। मुद्रा की जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है, लेकिन उतने प्राचीन में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, क्लास आपकी बोरिंग हो जाएगी। सीधा सा समझिए कि हम वस्तु एवं सेवाओं के एक विनिमय का माध्यम है आपकी मुद्रा। किसी भी सरकार को, कोई भी सरकार हो विश्व का या कोई देश हो, वस्तु विनिमय या सेवाओं के विनिमय का एक माध्यम के रूप में हम यूज करते हैं करेंसी को। ठीक, एक चीज आप ये समझिए, अगर आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं, प्राचीन इतिहास में, तो आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ, हमारे समाज में मुद्रा नाम की एक संकल्पना का विकास नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे आप देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से हम अपने वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन करते हैं। ठीक, मैं उस टाइम नहीं ले जाऊंगा, बट थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। वस्तु विनिमय कुछ ऐसा समझिए, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए परीक्षा प्लस जो है ये हड़प्पा काल से चली आ रही है, मतलब मान लीजिए उस टाइम भी परीक्षा प्लस थी, जैसे गुरुकुल हुआ करते थे परीक्षा प्लस भी हुआ करती थी। परीक्षा प्लस ने कहा कि हम सबको जैसे आज शिक्षा दे रहे हैं, उस टाइम भी सबको शिक्षा देने का काम कर रही थी। सामने से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा मास्टर हमें ये शिक्षा लेनी है लेकिन हमारे पास गुरु दक्षिणा के तौर पे मुद्रा नहीं है। तो परीक्षा प्लस ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो भी चीज़ है तुम दे देना। सामने वाले ने कहा कि मास्टर हमारे पास सिर्फ एक कुंटल अनाज है, आप एक कुंटल अनाज ले लीजिए, बदले में आप अपनी शिक्षा मुझे प्रदान कर दीजिए। परीक्षा प्लस टीम ने कहा चलिए ठीक है हम आपका एक कुंटल अनाज ले लेंगे, लेकिन समस्या ये फंस रही थी कि परीक्षा प्लस टीम के पास अनाज तो था लेकिन अनाज को पकाने के लिए लकड़ी नहीं थी। अब परीक्षा प्लस टीम ने कहा एक काम करो, मेरे पास अनाज है, मुझे तुम अनाज के बदले लकड़ी दे दो। सामने वाले विद्यार्थी ने कहा कि मास्टर मेरे पास तो लकड़ी नहीं है, अनाज ही है। अब देखिए यहाँ पे समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी कि सामने वाले व्यक्ति को जिसकी जरूरत नहीं है, अगर वही वस्तु सामने वाले के पास है, तो वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय बहुत ही ज्यादा कलिष्ट होने लगा। और मेरे दोस्त, अगर कोई भी प्राचीन प्रणाली या परंपरा एक समाज के लिए कष्टदायी होने लगे, तो समाज उसमें नवीनता लाने के लिए उसका परिवर्तन करती है, और उन पुराने परंपराओं को खत्म करने के लिए एक नई परंपरा शुरुआत की गई हड़प्पा में, जिसे आप आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं या पंचमार्ग के भी नाम से जानते हैं। ठीक, एक तरीके से आप टोकन करेंसी समझ लीजिए कि एक मोहर लगा के दे दिया जाता था कि जिस पे जितना मोहर उसकी उतनी वैल्यू, और उस वैल्यू के बराबर आप वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय करेंगे। ठीक, ये चीजें तब चल रही थी।
समय बढ़ता गया, सामाजिक और बौद्धिक विकास होने लगा और धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन होने लगा। आप देखते हैं कि जैसे जैसे राजा महाराजा आए, उन्होंने सिक्कों को जारी किया और आप देखेंगे कि सातवाहन और कुषाणों के आते हुए देखेंगे कि सिक्कों का प्रचलन बहुत बेहतरीन लेवल पे आपको दिखाई पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा सिक्कों की बात करूँ तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सिक्कों को जारी करने का जो श्रेय माना जाता है वो सातवाहनों को माना जाता है, और सबसे शुद्धता के मामले में कोई सिक्के हैं तो वो कुषाणों के हैं। ये चीज़ें आप जानिएगा, थोड़ा इतिहास का है, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। अगर वहीं पे आप देखेंगे कि शीशे के सिक्के भी जारी किए गए हैं, शीशे के साथ पुटीन के सिक्के जारी किए गए हैं, तो बहुत सारे सिक्के राजा महाराजा आए और जारी करने लगे जिससे वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय बेहतरीन तरीके से हो सके। यही चीज़ें आज के दौर पे भी चली आ रही हैं, और वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय बेहतर हो सके, सुचारू रूप से हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके, इसीलिए मुद्रा को चलन में लाया जाता है। चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो, इसके साथ ही अमेरिका हो या रशिया हो, इवन पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, हर देश अपने यहाँ की करेंसी रखती है और उस देश में उसी करेंसी के माध्यम से वस्तु विनिमय होता है। ये चीज़ें आपने देख लिया। अगर आपने ये चीज़ें देख लिया तो एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि फिर मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं या मुद्राएं कितनी प्रकार की हैं। ठीक, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ लेक्चर के थ्रू, मैं एक एक चीज़ अगर लिखने लगूंगा तो पता चलेगा कि मैं सिर्फ मुद्रा के परिभाषा ही एक घंटा लिखता रह जाऊंगा। ठीक, और ऑलरेडी मैं इतना एज्यूम कर सकता हूँ कि आप एक अच्छे लेवल पे मैच्योर हैं, लेक्चर्स का प्रभाव आप पर पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएशन में भी आपने मास्टर के लेक्चर लिए हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी आपने मास्टर के लेक्चर लिए हैं। ठीक, मैं थोड़ा सा अगर मुद्रा की बात कर लूँ, मुद्रा के प्रकार की, तो मुद्रा के प्रकार में अगर मैं बात करूँ तो मुद्रा के प्रकारों में जो सबसे पहली मुद्रा आप देखते हैं, सबसे पहली मुद्रा के तौर पर आप कड़ी मुद्रा को देखते हैं, और कड़ी मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है। कौन सी है? कड़ी मुद्रा। कड़ी मुद्रा के साथ ही में आप देखते हैं सुलभ मुद्रा, सुलभ सुलभ मुद्रा। इसी के साथ ही में इसी के साथ में आप देखते हैं कृत्रिम यौम आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा, और एक मुद्रा आप और देखते हैं वैधानिक मुद्रा, जिसे आप लीगल करेंसी कहते हैं, वैधानिक मुद्रा। मैं बेसिकली इसलिए यहां पे इसको लिख दिया हूं ताकि मुझे आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, एक नजर डालते हैं इन सब में, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया टीजीटी में, पीजीटी में भी कहां से पूछा गया है अभी मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं कड़ी मुद्रा की, तो कड़ी मुद्रा को बोलते हैं हार्ड करेंसी। क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी बोलते हैं। बेसिकली हार्ड करेंसी की परिभाषा क्या है जो मैं बोल रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हार्ड करेंसी की सीधी सी इतनी परिभाषा है कि जिसकी मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो। ठीक है, क्या हो? मांग ज्यादा और आपूर्ति कम हो, तथा अन्य सभी मुद्राओं में पूर्ण परिवर्तनीय हो, दूसरी चीज। तीसरा, विश्व के सारे देशों उस मुद्रा में अपनी भरोसा और विश्वास रखते हो, तीसरी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वस्तु विनिमय का माध्यम हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ये चार चीजें अगर किसी भी मुद्रा में देखी जाए तो उसे कड़ी मुद्रा या हार्ड करेंसी कहा जाता है। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पे आपको लेके जाऊं तो एग्जाम्पल के तौर में हार्ड करेंसी में विश्व की पांच मुद्राओं को शामिल किया गया है। पहली मुद्रा है आपका डॉलर, यूरो, एन, पाउंड और रेन मैनबी। ये पांच करेंसी है, आप इनको देखते हैं। डॉलर है अमेरिका का, यूरो है यूरोपियन यूनियन का, एन है जापान का, पाउंड है ब्रिटेन का, और रेन मैनबी है चाइना का।
तो ये पांच करेंसियां हैं, इन पांच करेंसियों को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इनका फोटो खींच लीजिए, क्योंकि ये सारे हार्ड करेंसी हैं और इससे पहले आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में हार्ड करेंसियों की संख्या कितनी है। ठीक, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है और सबसे बड़ी बात है इस बार भी उम्मीद बहुत है, क्योंकि डॉलर, क्योंकि अगर मैं बात करूं थोड़ा सा डॉलर की, तो एक तो आपका डॉलर है, एक आपका डॉलर और एक आपका रेनमेनबी। डॉलर और रेनमेनबी के जो कि इनका वोटिंग राइट था या उनका जो परसेंटेज था बास्केट में, उन बास्केट में इनके परसेंटेज को इंक्रीमेंट किया गया है, बढ़ाया गया है। वो कितना बढ़ाया गया है हम जब आईएमएफ को देखेंगे तो आईएमएफ में हम देख लेंगे। ठीक, इसके साथ ही एक वर्ड निकल के आता है, हालांकि मैं आगे बताने वाला हूं, मैं थोड़ा सा यही आपको बता देता हूं। इन पांचों करेंसियों को शॉर्ट में कहा जाता है एसडीआर। एसडीआर का मतलब सीधा सा स्पेशल ड्राइंग राइट, और एसडीआर बेसिकली ये आपकी आईएमएफ की करेंसी है, और आईएमएफ एक बास्केट का यूज करता है और उस बास्केट में एसडीआर है, और एसडीआर को इम्प्लीमेंट किया गया था 1969 में, और इन एसडीआर में ही डॉलर, यूरो, एन, पाउंड और रेनमेनबी इनको शामिल किया गया है, और इनके प्रतिशत के आधार पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि किसका वोटिंग राइट कितना है। ठीक, ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी जब मैं आपको आगे बताने वाला था कृत्रिम मुद्रा, तो कृत्रिम मुद्रा में ही आप देखते हैं कि जो आपका एसडीआर है, एसडीआर आपका कृत्रिम मुद्रा के रूप में हम देखते हैं। हालांकि अभी जब मैं कृत्रिम मुद्रा पे आता तो ही मैं आपको बताता, जो आपका एसडीआर है बेसिकली ये आपका कृत्रिम मुद्रा के रूप में देखा जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि कृत्रिम मुद्रा के रूप में एसडीआर है। जैसे सपोज दैट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम मुद्रा है, उसमें से आपको क्रिप्टो करेंसी दे दिया जाए, क्रिप्टो करेंसी के साथ में आपको डॉलर दे दिया जाए, यूरो, एन, पाउंड दे दिया जाए, साथ ही में आपको दे दिया एसडीआर, और इसी के साथ में कोई एक और करेंसी दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कृत्रिम करेंसी है वो आपका एसडीआर है। एसडीआर आईएमएफ की करेंसी है, और आईएमएफ में एसडीआर को 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया, और प्रेजेंट टाइम में इस पे पांच मुद्राओं को शामिल किया गया है, खासकर आपके रडार पे डॉलर और रेनमेनबी ये दोनों होने चाहिए। ठीक, तो दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो बता दी मैंने आपको कड़ी मुद्रा, और कड़ी मुद्रा के साथ ही में मैंने आपको बता दी आर्टिफिशियल या कृत्रिम मुद्रा। ठीक, इन दो चीजों को आप ध्यान रखिएगा। एक है आपका, अब आता है सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा क्या है? सुलभ मुद्रा की जो परिभाषा है बेसिकली आप ऐसे समझिए कि इसी को बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी की परिभाषा क्या है थोड़ा आप समझिएगा। सॉफ्ट करेंसी का मतलब है कि आपूर्ति तो ज्यादा हो, आपूर्ति ज्यादा हो और मांग कम हो, मतलब जस्ट उल्टा। यहां पे मैंने आपको कहा था कि मांग ज्यादा हो, आपूर्ति कम हो, और सॉफ्ट करेंसी पे मैंने आपको बताया है कि आपूर्ति ज्यादा हो और मांग कम हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि सभी अन्य मुद्राओं के साथ पूर्ण परिवर्तनीय ना हो, और सबसे बड़ी बात है कि अगर पूर्ण परिवर्तनीय नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि विश्व के अन्य देश उसमें, उस करेंसी में भरोसा नहीं रखेंगे। इसी एग्जांपल में अगर आप देखेंगे सॉफ्ट करेंसी में, तो जो आपका इंडियन रुपीस है ये आपका सॉफ्ट करेंसी और सुलभ मुद्रा के अंतर्गत देखा जाता है। मेरे दोस्त, यहाँ पे सीधा फैक्ट क्वेश्चन बचता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है, सुलभ मुद्रा कौन सी है, कड़ी मुद्रा कौन सी है, कृत्रिम मुद्रा कौन सी है, आभासी मुद्रा कौन सी है, और वैधानिक मुद्रा कौन सी है। मैं आपको बता दूं कि इन पांचों मुद्राओं के छोड़ के, डॉलर, यूरो, एन, पाउंड और रेनमेनबी, इनको छोड़ के जितनी भी विश्व के देश हैं और उनकी घरेलू करेंसी है वो सभी कहीं ना कहीं सुलभ मुद्रा के अंतर्गत देखी जाती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीय, जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भारत में जो भारत का पूंजी खाता है, हालांकि जब अपना विदेश नीति पढ़ेंगे तो विदेश सॉरी जब हम अपना भुगतान संतुलन पढ़ेंगे तो भुगतान संतुलन में आपका दो खाता है, एक है पूंजी खाता और एक है चालू खाता।
अगर मैं थोड़ा सा चालू खाता की बात करूं तो भारत का चालू खाता तो पूर्ण परिवर्तनीय है। 1993-94 में एस तारापुर कमेटी के सुझाव पर भारत का जो चालू खाता है इसे पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं पूंजी खाता की तो पूंजी खाता भारत का आज भी पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बन पाया है। ठीक, वहीं पे एस तारापुर कमेटी का ही सुझाव दिया गया था, मतलब गठन किया गया था कि जिस प्रकार हमारा चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय है उसी प्रकार पूंजी खाता को भी पूर्ण परिवर्तनीय बनाया जाए। लेकिन 1996-97 में ये रिकमेंडेशन समिति का गठन किया गया था, लेकिन उसी के जस्ट बाद में खाड़ी युद्ध प्रारंभ हो गया और खाड़ी युद्ध के प्रारंभ होने के कारण ही भारत का जो पूंजी खाता है वो पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बन पाया। उसके बाद में एस तारापुर सेकंड कमेटी का गठन किया गया 2006 में कहा गया चलिए ठीक है एक बार नहीं हो पाया फिर से आप अपने सुझाव दीजिए कि किस प्रकार जो हमारा पूंजी खाता है पूंजी खाता को हम पूर्ण परिवर्तनीय बना पाए। 2006 में कमेटी का गठन किया गया और 2008 में आपको पता होगा कि अमेरिका का सब प्राइम क्राइसिस आ गया और सब प्राइम क्राइसिस की वजह से फिर से हमारा पूंजी खाता आज भी वैसे है जो कि पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बन पाया है। भारत की 75 साल आज़ादी के बाद भी अगर हमारा चालू खाता पूंजी खाता पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बन पाया तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यही रीज़न है कि हमारी करेंसी अभी भी उन करेंसियों में शामिल नहीं हो पाई है जहां हम अपनी करेंसी को ले जाना चाहते हैं। तो ये देखिए जो मैं बोल रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस हैं, अब मेरे पास लिखने का इतना स्कोप नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लिख देता, बट हाँ परीक्षा प्लस टीम की जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको डिट्टो नोट्स में लिखा मिलेगा क्योंकि यहाँ का जो नोट्स है टीचर खुद आपके लिए वर्क करता है। ठीक, सो आप नोट्स भी अगर देखेंगे, इवन मेरी कोशिश होगी कि इनका अगर पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं तो इनका पीडीएफ मैं एक बार आपको प्रोवाइड करूंगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे उन परीक्षा प्लस टीम आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको कड़ी मुद्रा, सुलभ मुद्रा, कृत्रिम मुद्रा ये बता दी, अब है आपका आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा बेसिकली इसको बोलते हैं वर्चुअल करेंसी, और वर्चुअल करेंसी प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चर्चे में बना हुआ है क्योंकि वर्चुअल करेंसी के रूप में सबसे ज़्यादा आप क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि मैं अन्य मास्टर की तरह ज़्यादा लिखावट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे दोस्त अगर मैं लिखावट पे ज़्यादा ध्यान फोकस करूँगा तो आप तक डेटा मेरा कम डिलीवर होगा, और डेटा कम डिलीवर होगा तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम के लिए वो लिहाज से बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि सारे लोगों को सिलेबस कम से कम टाइम में ही ख़त्म करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डिलीवर करना होता है। सो मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डिलीवर करूँ, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप क्लास लें तो क्लास के साथ आप अगर नोट करते चलेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ उनको अगर आप एक नोट्स के तौर पे बनाएंगे तो मेरे दोस्त एक भी क्वेश्चन में दावा कर सकता हूं कि कट ऑफ जितनी जाएगी उतना क्वेश्चन आपके नोट्स से मिलेगा। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि 125 का 125 क्वेश्चन या 64-65 क्वेश्चन टीजीटी में जो भी आएगा वो मेरे नोट्स से आएगा, ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा, बट हाँ अगर कट ऑफ इकोनॉमी की 125 में 100 गया है तो ये दावा मैं कर सकता हूं कि वो 100 क्वेश्चंस आपको मैं डिलीवर करूंगा। ठीक, इतना दावा मैं आपसे कह सकता हूं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता था आभासी मुद्रा की, आभासी मुद्रा का मतलब है वर्चुअल करेंसी, और वर्चुअल करेंसी के रूप में जो प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं जो कि आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। क्रिप्टो करेंसी को जो हमारे जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र के, उनका कहना है कि जो भविष्य की मुद्रा होने वाली है वो क्रिप्टो करेंसी होने वाली है। क्रिप्टो करेंसी का जो निर्माण किया गया था 2008 में जापान के किसी व्यक्ति सतोशी नाकामोतो द्वारा किया गया था, और क्रिप्टो करेंसी की सबसे खास बात है कि ये कंप्यूटर बेस्ड करेंसी है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित करेंसी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित करेंसी है, 2008 में लॉन्च किया गया सतोशी नाकामोतो द्वारा, ये वर्चुअल करेंसी है। मेरे दोस्त ये सारा आपका क्वेश्चन है, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और उम्मीद करिए ये आपको आपकी कॉपी तक जाना चाहिए ताकि रिविजन करने के दौरान ईजिली आप उसे देख सकें। ठीक, तो इन चीज़ों पर भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैं बात करूं वैधानिक मुद्रा की, अच्छा एक चीज़ और आभासी मुद्रा में जान लीजिए, एक बहुत ही रिसेंटली में अभी चल रहा है, जैसे कुछ मैं अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूं जैसे पेट्रो है ये क्रिप्टो करेंसी है, इसके साथ ही मैं बात करूं एक है लिब्रा फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, और सबसे खास बात लिब्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त क्योंकि लिब्रा को जारी करने के लिए
सरकारी प्रतिभूति का प्रयोग किया जाएगा जिससे इसकी वैधानिकता पे प्रश्न चिन्ह ना खड़ा होने पाए। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी आपसे पूछ ले कि लिब्रा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिब्रा एक आभासी मुद्रा है और किसकी करेंसी है, फेसबुक की, और इसके लिए क्या जारी किया गया है, सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति क्या है, जब हम सरकारी प्रतिभूति पढ़ेंगे, हम जब अपना पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश पढ़ेंगे, तो विदेशी निवेश में एक है FII और एक है, हाँ एक है आपका FDI और एक है आपका FPI। वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे और इसी के साथ में हम भारत का पढ़ेंगे जब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो मनी मार्केट में आप देखते हैं बिल और कैपिटल मार्केट में आप देखते हैं बॉन्ड, और वहीं पे आप देखते हैं सरकारी प्रतिभूति। तो सरकारी प्रतिभूति क्या है, जब अपना कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट देखेंगे और जब विदेश नीति देखेंगे तब हम देख लेंगे कि प्रतिभूति किसे कहते हैं। ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ वैधानिक मुद्रा की, तो वैधानिक मुद्रा का मतलब होता है लीगल करेंसी, और लीगल करेंसी का मतलब है किसी देश की सरकार, कोई भी देश हो, किसी देश की सरकार का मतलब किसी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, केंद्रीय बैंक जो करेंसी जारी करता है उस करेंसी को उस देश की वैधानिक मुद्रा कही जाती है। भारत के लिहाज से मैं बात करूं तो भारत की जो वैधानिक मुद्रा है वो रुपीज है यानी रुपया है, और आपने देखा था कि 2016 में जब विमुद्रीकरण किया गया 8 नवंबर 2016 को, तो सरकार ने घोषणा की कि आज से जो भी नोट है 500 और 1000 के, जो भी लीगल करेंसी है उन्हें अवैधानिक या अनलीगल घोषित किया जाता है और इनके स्थान पे नई करेंसी रिलीज की जाएगी। ये चीजें आपने देखा था, ये है आपकी वैधानिक मुद्रा। मतलब सिंपल सा, किसी जो देश है और उस देश का जो केंद्रीय बैंक है, क्या है, केंद्रीय बैंक है, और जो केंद्रीय बैंक रिलीज करता है जो करेंसी, वो करेंसी आपकी लीगल करेंसी होती है। अगर मैं भारत के परिदृश्य में बात करूं तो भारत का है रुपया। ठीक, अगर मैं रुपए के बात करूं तो रुपए को भारत में दो तरीके से आप देखते हैं, एक है आपका नोट और एक है आपका करेंसी। जब हम RBI पढ़ेंगे, RBI में का जो एक कार्य है, हालांकि आपके TGT एंड PGT में अगर आप देखेंगे तो TGT एंड PGT में भी आप पढ़ेंगे कि बैंकों का कार्य और RBI की शक्तियां क्या है, RBI के कार्य क्या है। तो जब RBI के आप कार्य पढ़ते हैं तो वहां पे एक टर्म्स निकल करके आता है, नए नोट को रिलीज करने का एकाधिकार। तो नए नोटों में आप देखेंगे कि नए नोटों में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक रुपए के ऊपर के नोट, एक रुपए के ऊपर के नोट को जारी करने का जो अधिकार है वो RBI को होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि एक रुपए का नोट और जो आपके क्वाइंस हैं, इन्हें जो जारी करता है ये आपकी उस देश की सरकार या गवर्नमेंट जारी करती है। अगर मैं बात करूं सिक्कों को, तो सिक्कों को ढाला जाता है कहाँ पे, इन्हें बोला जाता है टकसाल। भारत में चार जगह टकसालें हैं। और अगर मैं बात करूं RBI की, तो जो RBI नोट रिलीज करती है इससे आप बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। भारत में चार जगह पे प्रिंटिंग प्रेस भी है और चार जगह पे टकसाले भी हैं। अगर वहीं पे मैं बात करूं एक रुपए की नोट की, तो एक रुपए के नोट पे RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, इस पे हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, और वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं जो कि भारत सरकार की तरफ से रिलीज करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जानना और समझना चाहिए। और बेसिकली सबसे खास बात है कि यहां से एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ में कल का सेशन जो हमारा होगा, कल के सेशन में एक बार हम आपका विमुद्रीकरण पे बात कर लेंगे, और विमुद्रीकरण के साथ ही में हम देखेंगे कि भारत में अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है, विमुद्रीकरण का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ में हम देखेंगे कि आखिर सरकारें विमुद्रीकरण के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को क्यों उठाती हैं। इसी के साथ ही में आप देखते हैं
कि भारत में जो टकसाल या प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ कहाँ पर है। मैंने आपको बताया कि 4 टकसाल और 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो कहाँ पर हैं ये भी एक बार हम देख लेंगे। अगर मैं सपोज दैट थोड़ा सा बात करूँ टकसालों की, तो मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 जगहों पे आप टकसाले देखते हैं। और अगर मैं वही नोट रिप्रेस की बात करूं तो देवास, नासिक, सालबनी और मैसूर, इन 4 स्थानों पे आप प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल बात करेंगे। बेसिकली हमने बहुत ही कुछ चीज़ों को देखा है, लेकिन फिर भी हमने पूरा एक रोड मैप पे बात की है हमारी एग्जाम्स को लेकर, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और इसी के साथ आप देखेंगे तो हमने इन्फ्लेशन और मनी, इन दोनों का स्टार्ट किया है। मनी हमने देखा है, मनी में सिर्फ हमने मनी के प्रकार या मनी के टाइप्स देखे हैं। कल हम इसके आगे के भी चीज़ें देखेंगे कि मुद्रा की गणना कैसे की जाती है, M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, और मुद्रा गुणांक किसे कहते हैं, ये चीज़ें भी हम देख लेंगे। इसी के साथ ही हम देख लेंगे कि मुद्रा में तरलता कैसे नापी जाती है, और मुद्रा की परिवर्तनीयता एक करेंसी का दूसरे करेंसी के आधार पर कैसे काउंट होता है, मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रा का अधिमूल्यन कैसे किया जाता है, आखिर एक सरकारें कैसे मुद्रा का अवमूल्यन और अधिमूल्यन करती हैं, उनके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं और उनके करने का कारण क्या है। और ये जानना जितना ज़रूरी है मेरे दोस्त, उससे कहीं ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अगर भारत सरकार मुद्रा का अवमूल्यन कर दे तो भारत के आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर अगर भारत की सरकार मुद्रा का अवमूल्यन करे तो भारत के निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही अगर मान लीजिए भारत का जो व्यापार है सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ आयात के संदर्भ में तो चाइना के साथ में है, और अगर निर्यात के संदर्भ में तो अमेरिका के साथ में, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा अपर लेवल पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे तो भारत के आयात पे क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के एक देश में और दूसरे देश में, इन दोनों देशों के संदर्भ में हम देखेंगे कि अवमूल्यन और अधिमूल्यन का क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़े अपर की चीजें हैं, फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे कमीशन बहुत अपर जाकर के सोच रहा है और आपसे नीड करता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा हो, फैक्ट के स्थान पे आप कॉन्सेप्ट पे जाकर सोचें, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद। आप इस लेक्चर को देखिए, सेशंस को देखिए। इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट्स हैं, अगर आपको कोई क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।